क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ स्नो? इनमें से कौन सा ऑप्शन स्नो से बना होता है? ए बीहाइव, बी इग्लो, सी एंथल, डी पिग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इग्लो। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट सिल्वर ओलंपियाड से सोशल स्टडीज के सिलेबस एंड सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोशल स्टडीज में क्लास फर्स्ट में बच्चों से क्या पूछा जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर एंड जीके के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। चलिए, इसके क्वेश्चन देखने से पहले इसके सिलेबस को हम जानेंगे। ये सिलेबस ऑलमोस्ट ईवीएस सब्जेक्ट से जो सिलेबस रहता है क्लास फर्स्ट में, चाहे आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी में जो ईवीएस की जो सिलेबस होती है वही क्लास फर्स्ट में सोशल स्टडीज के नाम से सिल्वर ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस देख लेते हैं। पहला है ऑल अबाउट मी, इसके अंतर्गत चैप्टर आ जाते हैं माई बॉडी, फैमिली, सेफ्टी रूल, गुड हैबिट एंड मैनर्स, गुड टच एंड बैड टच। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इससे 3 रहते हैं और मार्क्स 3.5 टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स हो जाते हैं 10.5। माई नीड्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, जिससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट है माई कम्युनिटी, स्कॉलर एंड नेबरहुड, पीपल बी हेल्प अस, इससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं तो टोटल मार्क्स 7 हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है आवर कंट्री, नेशनल सिंबल एंड फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, इससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, 3.5 मार्क्स के रहते हैं 7। आवर सराउंडिंग्स, एयर एंड वाटर, एनवायरमेंट, प्लांट एंड एनिमल, इसके अंतर्गत चैप्टर्स रहते हैं जिससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 10। सेटल लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर आ जाता है इसके अंतर्गत और इससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ 7। एंड नेक्स्ट हो जाता है लास्ट सेकेंड अर्थ एंड स्काई, सन एंड मून सीजन, इससे 1 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड स्कॉलर जोन, स्कॉलर जोन वो सेक्शन है जिससे कि सिलेबस से ही बच्चों को हाई थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ईवीएस की ये सिलेबस अभी हमने आपके साथ बताया आपको, ये ईवीएस की जो सिलेबस है ये पूरे टॉपिक वाइज इसी टॉपिक से हायर थिंकिंग ऑर्डर टाइप के सिल्वर ये स्कॉलर जोन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो और अदर ओलंपियाड में इसको अचीवर सेक्शंस के नाम से जाना जाता है। स्कॉलर जोन को अचीवर सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जाम में 25 रहते हैं और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रहते हैं और टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो चलिए अब हमने सिलेबस जान लिया है, अब इसके क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाई डू नॉट रिक्वायर हेल्प फ्रॉम होम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें किसकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है? ए क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स कुम्हार जो हमारे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बी बार्बर, बार्बर नाई जो बाल काटता है। सी ड्राइवर एंड डी एक्टर, ड्राइवर जो हमारी गाड़ी चलाने के लिए मदद मिलती है। एंड डी एक्टर जो हमें अभिनेता जो सिनेमाओं में या कहीं पर भी काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी एक्टर, एक्टर की हमें डेली लाइफ में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन वी वॉक और राइट टू समवन इट इज कॉल्ड, जब हम किसी से बात करते हैं या लिखते हैं एक दूसरे को यह क्या कहलाता है? ए कम्युनिकेशन, बी इंफॉर्मेशन, सी ट्रांसपोर्टेशन या डी सुपरविजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी जनरली डू नॉट कुक बिफोर ईटिंग,
इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसे जनरली हम खाने से पहले कुक नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं? ए केक, बी सलाद, सी ब्रेड या डी राइस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सलाद। सलाद को हम कुक करके नहीं खाते, यह कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में इसे यूज किया जाता है। नंबर 5, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन यू रिलेट आवर नेशनल फेस्टिवल? ए ईद, बी क्रिसमस, सी रिपब्लिक डे या डी दीपावली। करेक्ट आंसर है रिपब्लिक डे। इसी दिन रिपब्लिक डे के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। देश में काम कैसे किया जाए उससे रिलेटेड संविधान में बताया जाता है, और ये हमारा 26 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था, जिसे हम फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, जिसे हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? नंबर ए, वाटर इज प्रेजेंट एज स्नो ऑन हाई माउंटेन। वाटर ऊंचे पहाड़ों पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद होता है। नंबर बी, द अर्थ हैज मोर वाटर देन इट हैज लैंड। पृथ्वी के पास भूमि की तुलना में ज्यादा जल है। सी, वाटर फॉर्म इन ओशियन एंड सी आर सॉल्टी इन टेस्ट। ओशियन एंड सी, महासागर एंड समुद्रों में पाया जाने वाला पानी स्वाद में सॉल्टी अर्थात खारा होता है। एंड डी, नन ऑफ दिस। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू क्रॉस रोड? रोड को क्रॉस करने समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ए लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, बी ट्रैफिक लाइट, सी जेब्रा क्रॉसिंग या डी बाई साइकिल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जेब्रा क्रॉसिंग। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बने रहते हैं और हमेशा हमें रोड क्रॉस करने समय, रोड पर चलने समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द लास्ट फूड ऑफ द डिनर? इनमें से कौन हमारे दिन के अंतिम फूड के रूप में जाना जा सकता है या कहा जा सकता है उसको दिन का अंतिम फूड? ए डिनर, बी ब्रंच, सी ब्रेकफास्ट, डी लंच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिनर। लास्ट फूड, एक दिन का लास्ट फूड यानी रात में जो हम खाना खाते हैं वो डिनर कहलाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिनर। नंबर 9, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग बैंड ऑफ 7 कलर। सात कलरों का समूह क्या कहलाता है? ए सन, बी स्टार, सी रेनबो और डी क्लाउड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेनबो। क्वेश्चन नंबर 10, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथेस कैन यू रिलेट द विंटर सीजन? इसमें से विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ आप विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ से आप रिलेट करते हैं? इसको हम लार्ज करके आपको जूम करके इसके इमेज में दिखा देती हूँ। चलिए पहला आ रहा है ए मॉफलर, बी शर्ट, थ्री टोपी कैप उलन कैप है एंड फोर्थ रेनकोट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन ए एंड थर्ड, मॉफलर एंड टोपी, वन और थ्री जिस भी ऑप्शन में है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन वन एंड थ्री
relate to option D. So correct answer is option D. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.